हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर वन क्लासेस पर। अगर आप तैयारी कर रहे हैं मैथ्स जो कि कॉम्पिटेटिव लेवल से रिलेटेड है, यानी कि अगर आप एचटेट, सीटेट, एसएससी, एचएसएससी, सीजीएल वगैरह जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं आपकी मैथ्स की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। यहाँ आपको हर ट्रिक से मैथ करवाया जाएगा, हर टॉपिक में हर एक ट्रिक का यूज़ किया जाएगा जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हमने टॉपिक लिया है एवरेज। इससे पहले हमने पूरा टॉपिक डिस्कस किया था परसेंटेज पर, तो हम एवरेज पर हम डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं आज हम एवरेज टॉपिक। सो फर्स्ट है एवरेज। एवरेज अगर आपको फाइंड आउट करने के लिए कह दे तो सम ऑफ क्वांटिटीज बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वांटिटी है 1, 2, 3, 4, ये आपके पास 4 नंबर्स है, इसका निकालना है आपको एवरेज। एवरेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो नंबर दिए हुए हैं इनका कर देंगे सम और डिवाइड में, ये टोटल नंबर कितने हैं 1, 2, 3, 4 नंबर ऑफ क्वांटिटीज, यानी कि कितने टोटल नंबर है 4 हैं, तो 4 से कर देंगे डिवाइड। ये हो गया 4 और 3, 7 और 2, 9 और 1, 10, तो 10 बाय में 4, इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2 5 10 एंड 2 2 4, आगे भी डिवाइड करोगे तो 2.5, ये आपका आ जाएगा एवरेज। सम ऑफ क्वांटिटीज, अगर आपको एवरेज दिया हुआ है और नंबर ऑफ क्वांटिटी दिया हुआ है, कह देंगे कि इतने नंबर्स का जो एवरेज है, कह देंगे कि 5 नंबर की एवरेज दे रखी है, यानी कि नंबर ऑफ क्वांटिटी 5 दे दिया और उसकी एवरेज दे दे मान लो 25, तो कहेंगे कि सम ऑफ जो नंबर है उनका सम कितना होगा। तो एवरेज की हमेशा नंबर ऑफ क्वांटिटी से प्रोडक्ट कर देंगे तो आपका आ जाएगा सम ऑफ क्वांटिटीज। ओके, नंबर ऑफ क्वांटिटीज, कितनी क्वांटिटीज हैं आपको गिवन होगा, अगर सम ऑफ क्वांटिटीज और एवरेज गिवन हो, हमेशा सम से डिवाइड होता है एवरेज और नंबर ऑफ क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होता है एवरेज। ठीक, तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज क्या हो जाएगी, सम ऑफ क्वांटिटी बाय में एवरेज। जो हमारे पास ये फर्स्ट पॉइंट है इसी से ही ये दोनों फॉर्मूले बने हैं। ओके, क्योंकि नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, डिवाइड में है तो सम ऑफ क्वांटिटी आ गया। ओके, फिर नंबर यहाँ मल्टीप्लाई जाएगा तो एवरेज या डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारे पास नंबर ऑफ क्वांटिटीज हो गया। एग्जाम्पल, अ मैन परचेज 5 टॉयज एट द रेट ऑफ 200 ईच, यानी कि 5 टॉय उसने परचेज किए और एक टॉय का रेट कितना था, 200 रुपये था। हर एक टॉय का रेट 200 है, टोटल 5 खरीदे तो कितने रुपए में खरीद लिए, 1000 रुपये में। ठीक, फिर उसके बाद 6 टॉयज एट द रेट ऑफ 250, यानी कि 6 टॉयज 250 रुपये में खरीदे, तो यानी कि 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 250 से, तो हमारा हुआ 1500। ठीक है, 9 टॉयज एट द रेट ऑफ 300 ईच, 9 टॉयज एट द रेट ऑफ 300 कितना हुआ ये 2700, टोटल कितने टॉयज हो गए 11 और 9 20, तो टोटल हुए 20 टॉयज उसने टोटल खरीदे। ठीक है, कैलकुलेट द एवरेज कॉस्ट ऑफ 1 टॉय, एक टॉय की एवरेज कॉस्ट कितनी होगी वो कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे, ये क्या होगी, नंबर ऑफ क्वांटिटी आ गई, नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी, टोटल कितनी है वो आ गया, और टोटल हमने कितने इन्वेस्ट किए, ये टोटल कितना इन्वेस्ट हुआ, इसका ऐड कर देंगे, ये हमारा बना टोटल 5200। ठीक है, क्या करेंगे, जो टोटल सम ऑफ क्वांटिटी को, सम ऑफ क्वांटिटी को किस से डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटी से, यानी कि 5200 को डिवाइड कर देंगे 20 से। ओके, हमारे पास कितना बचा ये 260, तो यानी कि 260 रुपीज एवरेज कॉस्ट होगी हर एक टॉय की। ओके, एवरेज कॉस्ट हमें निकालनी थी, आई 260। सो नेक्स्ट है एवरेज मार्क्स। एवरेज मार्क्स दिए हैं ऑब्टेन बाय 200 स्टूडेंट्स इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन इज 45, यानी कि हमें एवरेज दे दिया 45 और नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो टोटल नंबर हैं वो कितने हैं 200, फाइंड करना है टोटल मार्क्स, यानी कि सम ऑफ जो क्वांटिटीज बोलते हैं, यानी कि हमें सम फाइंड आउट करना है। अब देखो, सम अगर हमें फाइंड आउट करना होता है तो क्या करते हैं, एवरेज की हमेशा टोटल जो ये नंबर होते हैं उनसे प्रोडक्ट होती है ना, ये मैंने बताया था। सम अगर निकालना हो
तो एवरेज की प्रोडक्ट नंबर ऑफ क्वांटिटी से करते हैं हमेशा, तो इस क्वेश्चन के अंदर यही पूछ रहे हैं कि एवरेज दे रखा है और सम निकालना है, तो इनकी क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। 200 की प्रोडक्ट आ जाएगी 45 से, तो कितना मिला हमें 900, यानी कि टोटल मार्क्स जो होंगे वो कितने होंगे, 900 होंगे। टोटल टेम्परेचर फॉर द मंथ ऑफ सितंबर इज 840 डिग्री सेल्सियस। इफ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ दैट मंथ इज 28 डिग्री सेल्सियस, फाइंड करना है हाउ मेनी डेज, यानी कि हमें टोटल दे रखा है, यानी कि सम दे रखा है, सम कितना है 840, एवरेज दे रखा है, एवरेज कितना है हमारे पास 28, फाइंड क्या करना है हमें, क्वांटिटीज फाइंड आउट करनी है, नंबर फाइंड आउट करनी है कितने होंगे, तो क्या फॉर्मूला बताया उसके अंदर, जो सम होता है उसको किससे डिवाइड कर देते हैं, एवरेज से, तो यानी कि 840 को डिवाइड कर देंगे 28 से, ओके, तो ये 28 3 84, यानी कि 30 डेज जो होंगे इसके अंदर मंथ में होंगे। हाउ मैनी डेज इन द मंथ ऑफ सितंबर, सितंबर में वैसे भी पता है 30 डेज होते हैं, और यहाँ से भी आंसर हमारा देखो बिल्कुल करेक्ट आया इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास है एवरेज ऑफ टू और मोर ग्रुप्स, यानी कि हमारे पास एक बार तो जैसे कि सितंबर एक ग्रुप आ गया था, इसके अलावा अगर अगस्त भी आ जाता, ठीक है, उसका हमें अलग से करना पड़ता, तो वही कह रहे हैं कि अगर एक ग्रुप ना दे, दो या दो से ज़्यादा अगर ग्रुप दे देते हैं तब क्या करेंगे हम। इफ़ द नंबर ऑफ क्वांटिटी इन टू ग्रुप्स, यानी कि पहले ग्रुप के अंदर अगर N1 नंबर्स हैं, दूसरे ग्रुप के अंदर अगर N2 नंबर्स हैं, ठीक है, और उनकी एवरेज दे रखी है, एवरेज है एक्स और वाई, तो कह रहे हैं कि कंबाइन अगर एवरेज निकालनी हो, ठीक है, दोनों के अंदर टोटल नंबर दे रखे हैं और एवरेज दे रखी है, अगर हमें कंबाइन एवरेज दोनों की मिला के एवरेज निकालनी है, तो पहले में N1 नंबर थे और उसकी एवरेज एक्स थी, तो N1X हो गया, ठीक है, क्योंकि नंबर की एवरेज से मल्टीप्लाई होती है। दूसरे में N2 नंबर थे और एवरेज वाई थी, तो N2 की वाई से प्रोडक्ट हो जाएगी, डिवाइड में दोनों के नंबर से सम से डिवाइड, ठीक है। और उसके बाद अगर हमें एवरेज N1 क्वांटिटी की एवरेज एक्स है और N2 की क्या है क्वांटिटी की एवरेज वाई है, ये कह रहे कि इफ द एवरेज ऑफ N1 क्वांटिटी इज एक्स एंड द एवरेज ऑफ N2 क्वांटिटी आउट ऑफ देम इज वाई, यानी कि इसके अंदर से कुछ एक क्वांटिटी बाहर निकाली है N2, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 10 क्वांटिटी है उसमें से इन्होंने N2 को ले लिया 8, और 10 में से 8 क्वांटिटी की एवरेज वाई मान ली, ठीक है, देन द एवरेज ऑफ रिमेनिंग ग्रुप, यानी कि जो हमारे पास दो रह जाएंगे उन रिमेनिंग ग्रुप की क्वांटिटी अगर हम एवरेज निकालनी हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस कर रहे थे अलग अलग था, और यहाँ पर क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे, ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। इफ द एवरेज वेट ऑफ 24 स्टूडेंट्स, यानी कि हमारे पास जो N1 है वो 24 है, नंबर सही 24 ऑफ सेक्शन ए ऑफ ए क्लास, एवरेज कितनी होगी हमें मिलगी 58 मिलगी, यानी कि जो एक्स है, जो एवरेज फर्स्ट है उसको एक्स माना, वो एक्स कितना है 58 है। वेयर एज द एवरेज वेट ऑफ 26 स्टूडेंट्स, अब दूसरा N2 कितना है, दूसरा ग्रुप मिल गया, ये कितने हैं 26 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी ऑफ द सेम क्लास इज 60.5 kg, यानी कि ये हमें मिल चुका है y मिल गया है 60.5 kg, ओके। नाउ फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स, यानी कि जब हमारे पास ये टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं, इन 50 स्टूडेंट्स का हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे निकलेगा, N1 की मल्टीप्लाई कर देंगे x से, N2 की मल्टीप्लाई कर देंगे y से, और उनको कर देंगे ऐड, और N1 प्लस में N2 कर देंगे, ठीक है, यानी कि 24 की प्रोडक्ट हो जाएगी 58 प्लस में 26 की प्रोडक्ट हो जाएगी 6.5 से, और इसे डिवाइड कर देंगे 24 प्लस में 26 से, ठीक है, तो हम इसकी प्रोडक्ट करते हैं, क्या मिलेगा हमें प्रोडक्ट करके, 24 की 58 से प्रोडक्ट करेंगे हमें मिलेगा 1392 प्लस में 26 की, या सॉरी 60.5 है, 60.5 की
26 से जब प्रोडक्ट करेंगे हमें मिलता है 1573, एंड इसका और इसका सम कितना है 50, ये 50 से कर दिया डिवाइड, इन दोनों को ऐड करेंगे हमें मिलेगा 2965, और इसे डिवाइड करना है 50 से, तो एवरेज वेट कितना आ गया 59.3 किलोग्राम, ओके डिवाइड करने पे ये आया। सो नेक्स्ट है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को करना है, ओके तो क्वेश्चन है एवरेज सैलरी ऑफ ऑल 50 एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग 5 ऑफिसर, टोटल 50 एम्प्लॉयज हैं, 5 ऑफिसर उसके अंदर ही इंक्लूड है, ऑफ द कंपनी इज 850, इफ द एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर, यानी कि खाली ऑफिसर की एवरेज सैलरी दे रखी है, फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ द रिमेनिंग स्टाफ ऑफ द कंपनी, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसमें आपके पास ये वाली दूसरी ट्रिक लगेगी और आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। ये मैं इसमें क्वेश्चन साथ के साथ इसलिए डालती हूँ ताकि अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आप साथ के साथ प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और ये ज़रूरी भी है कि आप इसे ट्राई करो ताकि आपको भी पता चलेगी अपने आप जब ट्राई किया जाता है तो आपसे हो पाएगा या नहीं। ओके सो नेक्स्ट जो है कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं जल्दी जल्दी करने के लिए। इफ एक्स बार, हम जो है मीन या एवरेज को एक्स बार से डिनोट करते हैं, इज द एवरेज ऑफ, अगर एक्स वन से लेके एक्स एन अलग अलग नंबर्स हैं यानी कि 1 2 3 5 कुछ भी हो सकता है, इनकी एवरेज अगर एक्स बार है देन द एवरेज ऑफ एक्स वन प्लस ए, यानी कि अगर हमारे पास कुछ एक नंबर्स हैं उनकी एवरेज अगर एक्स बार है तो उनके अंदर अगर हर एक नंबर को हम इंक्रीज कर दें किसी एक नंबर से, फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने इस नंबर को 3 3 से इंक्रीज कर दिया, हर एक नंबर में 3 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो कह रहे हैं कि जब ऐड करने के बाद जो नई एवरेज बनेगी तो नई एवरेज क्या बनेगी, वो होएगा आंसर हमारे पास एक्स बार प्लस में ए, ठीक है, यानी कि जो एवरेज होती है वो भी उसी नंबर से इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर है 1 3 5, 3 नंबर है और इसकी एवरेज हमारे पास कितनी बनेगी 5 3 8 और 1 9, इसकी एवरेज हमारे पास बनेगी 9/3 यानी कि 3, ये हमारे पास एवरेज बनती है। कहते हैं कि अगर 1 को भी 1 से इंक्रीज कर दे, 3 को भी 1 से इंक्रीज कर दे और 5 को भी 1 से इंक्रीज कर दे, कहते कि तो इसकी एवरेज क्या बनेगी, अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 3 के अंदर 1 ऐड कर दो तो इसका एवरेज आंसर 4 आएगा, ठीक है, यानी कि हर एक नंबर को अगर 1 से इंक्रीज कर रहे हैं तो 1 लिख देंगे, 5 से कर रहे हैं तो यहाँ पर 5 आ जाता, ओके ये डायरेक्ट तरीका है। अगर हम इंक्रीज करने की बजाय, बढ़ाने की बजाय एक नंबर को माइनस करते जा रहे हैं तो एवरेज में भी वो नंबर, फाइनल जो एवरेज नंबर आएगा वो भी ए से माइनस होगा। एवरेज ऑफ, अगर हम हर नंबर को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एवरेज हमारी क्या होगी, वो भी ए से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक। अगर हम हर एक नंबर को ए से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास एवरेज भी क्या होगी, ए से डिवाइड हो जाएगी। तो आइए हम क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड। द एवरेज वैल्यू ऑफ 6 नंबर्स, टोटल नंबर कितने हैं 6 है, ओके और इनकी एवरेज वैल्यू कितनी है 19 है, ठीक। हमने ध्यान देना है कि हमें एवरेज 19 दे दी, यानी कि एक्स बार हमें 19 दे दिया 6 नंबर्स का। इफ 8 इज एडिड, अगर हर नंबर के अंदर हम 8 को ऐड कर रहे हैं, 7 में भी 8 को ऐड कर रहे हैं, 12 में भी, 17 में भी, सब में अगर 8 को ऐड कर रहे हैं तो न्यू एवरेज क्या होगी, अलग अलग ऐड करके एवरेज निकालने की नीड नहीं है, क्या करोगे 19 के अंदर आप 8 को ऐड कर दोगे, ठीक है, तो कितना हो गया ये 27, तो आपका जो नए नंबर की जो एवरेज होगी वो कितनी होगी 27 होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, द एवरेज ऑफ एक्स नंबर इज 5x, यहाँ पर क्या है एवरेज, यानी कि जो एक्स बार है वो दे दिया 5x, नंबर कितने थे एक्स नंबर है टोटल, ठीक। इफ x माइनस 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच गिवन नंबर, अगर हर एक नंबर में से x माइनस 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस कर रहे हैं तो क्या होगा, वट विल बी द एवरेज ऑफ न्यू नंबर, तो ऑब्वियस है ना, जो हमारे पास पहले वाली एवरेज थी
तो इसमें से भी क्या हो जाएगा, x माइनस टू सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये कर दिया मैंने x माइनस टू को सब्ट्रैक्ट, तो 5 माइनस x प्लस का 2, क्योंकि बाहर माइनस हो तो अंदर वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, x ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस का हो गया, 5 में से x गए 4x एंड 5x में से x गए एंड प्लस में 2, तो न्यू एवरेज कितनी होगी 4x प्लस 2। ओके नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन है एवरेज ऑफ दीज नंबर्स, आपको खुद को करना है ये मल्टीप्लाई वाला, इसके अंदर फॉर्मूला जो है लगेगा ये करना है और कमेंट में आपको आंसर देना है इसका। नेक्स्ट है एवरेज ऑफ एन क्वांटिटीज इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, अगर कुछ एक क्वांटिटीज है फॉर एग्जांपल 5 नंबर की एवरेज दे दी, 5 नंबर की एवरेज यानी कि ये हमारे पास n है, 5 नंबर की अगर एवरेज यानी कि x बार इन्होंने x दे दिया, वन ऑफ गिवन क्वांटिटीज हुज वैल्यू इज p, अगर उनमें से कोई एक नंबर की वैल्यू p है, ठीक है, यानी कि मान लो हमारे पास x1 x2 x3 x4 एंड x5 पांच नंबर है, इनमें से मान लो कि x2 की वैल्यू p है, ठीक है, इज रिप्लेस्ड बाय a न्यू क्वांटिटी हैविंग वैल्यू q, यानी कि कह रहे हैं कि वैल्यू तो इसकी p है लेकिन p को हटा दिया, p की जगह बना दिया q, अगर सारों की सेम है नंबर की क्वांटिटी लेकिन x की जो वैल्यू है वो p की जगह q लिख दी, तो एवरेज एक बन जाती है हमारे पास y, तो हमारे पास जो x बार है वो x बार ना रह के वो बन गया y, तो हमारे पास q क्या है, वह अगर जो न्यू क्वांटिटी है वो न्यू क्वांटिटी क्या होगी, q की वैल्यू क्या होगी, वो कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास p था वो प्लस में नंबर ऑफ क्वांटिटी इंटू वाई माइनस एक्स, क्योंकि हमारे पास वाई नया बन रहा है और एक्स खत्म हो रहा है, तो वाई माइनस में एक्स इनकी प्रोडक्ट कर देंगे एन से और प्लस कर देंगे इसको पी में। क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड, एवरेज वेट ऑफ 25 पर्संस, यानी कि एन हमें मिल चुका है 25, 25 लोगों का एवरेज वेट इंक्रीज हो रहा है बाय 2 से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो यानी कि हमारे पास अगर इंक्रीज बाय 2 दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि अगर वेट पहले जो बाद में नया वेट बनता है y, ठीक है, y में से x जो माइनस करेंगे इसको कहेंगे हम इंक्रीज हो रहा है बाय 2 से, क्योंकि मान लो पहले x था, x के अंदर जब हम 2 ऐड किया तो नया बन गया y, ओके, यानी कि पहले अगर एवरेज हमारे पास हम x मान ले और नया एवरेज क्या बन गया, नया एवरेज क्या बन गया x प्लस 2 यानी कि y, इसका मतलब y माइनस में x, सॉरी ये x यहाँ के माइनस होएगा, y माइनस x कितना दिया है 2 दिया है, ठीक, तो हमारे पास y माइनस x की वैल्यू भी मिल चुकी। अब कह रहे कि वन ऑफ देम हुज वेट, यानी कि इनमें से एक इंसान ऐसा है जिसका वेट 60 था, 60 था, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास p है वो पहले क्या था 60, अब न्यू जो क्यू है इज रिप्लेस्ड बाय न्यू पर्सन, न्यू क्यू है, अब क्यू क्या होगा वो हमें निकालना है, तो व्हेन व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यू पर्सन, न्यू पर्सन का वेट हमें फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला क्या बताया मैंने, क्यू किसके इक्वल होएगा, जो पहले वाला वेट था वो प्लस में एन इंटू जो उनके अंदर इंक्रीमेंट हुई है इनकी वाई माइनस में एक्स, ठीक है, तो क्या करेंगे 60 प्लस 25 इंटू में वाई माइनस एक्स कितना है 2, यानी कि ये हो गया 50 प्लस 60 110, तो 110 क्या हो जाएगा नए पर्सन का वेट हो जाएगा। नेक्स्ट है द एवरेज ऑफ एन क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्स, फॉर एग्जांपल आपके पास 5 नंबर है, ठीक है, पांच क्वांटिटी हैं, तो पांच क्वांटिटी की अगर एवरेज निकल रहे अगर वो एक्स है, ठीक, अब कह रहे कि देन अ क्वांटिटी इज रिमूव्ड, पांच में से एक क्वांटिटी को हटा लिया, यानी कि एक को हटाया तो वो चार हुई, हमें नहीं पता किसको हटाया, ठीक है, तो जो चार हुई द एवरेज बिकम 4, तो इन चार क्वांटिटी की एवरेज बन रही है बिकम वाई बन रही है। द वैल्यू ऑफ अ रिमूव्ड क्वांटिटी, यानी कि जो हमने क्वांटिटी हटाई है, जो नंबर हटाया है उसकी वैल्यू निकालनी है, हम मान लेते हैं हमने पी नंबर को निकाल दिया, ठीक है, अब पी नंबर की वैल्यू क्या होगी, वो कैसे निकलेगी, टोटल जो है हमारे पास एन क्वांटिटी थी यानी कि 5 था एक टाइप से,
जो n, ये हमारे पास क्या थी, n क्वांटिटी थी, ठीक है, 5 हमारे पास है n, और ये 4 क्या हो जाएगा, n माइनस 1, तो जो पहले वाली क्वांटिटी थी वो उसकी प्रोडक्ट कर देंगे, जो नई क्वांटिटी की एवरेज आई है उसको, क्योंकि ये कम एवरेज होएगी, चार क्वांटिटी की कम एवरेज होएगी, पांच की ज़्यादा होएगी, तो ज़्यादा वाली में से कम वाले को माइनस कर देंगे, ठीक है, और प्लस में कर देंगे वाई, तो हमारे पास आ जाएगा वो क्वांटिटी जो हमने हटाई है। अब एग्जांपल देखते हैं इसी पर बेस्ड। द एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट एंड अ क्लास टीचर, यानी कि 24 स्टूडेंट्स हैं और एक क्लास टीचर है, टोटल कितने लोगों की एज कह रहे हैं, 25, यानी कि एन हमारा 25 है, ठीक है, वो कितनी है, इज 16 ईयर, इनकी जो एवरेज दी है यानी कि जो एक्स है वो हमें दे दिया 16, एन 25 और एक्स 16। इफ दैट क्लास टीचर एज इज एक्सक्लूड, अगर हम क्लास टीचर की एज को निकाल दें तो हमारे पास क्या बन गया, टोटल 24 हो गए, ठीक है, क्लास टीचर को निकाल दिया, देन द एवरेज एज रिड्यूस बाय 1 ईयर, तो जो एवरेज एज है, पहले हमारे पास एवरेज एज कितनी थी, 16 थी, अब कह रहे कि जो न्यू एवरेज एज है वो जो वाई होएगा वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, 1 ईयर, यानी कि 15 रह गया। व्हाट इज द एज ऑफ क्लास टीचर, क्लास टीचर कितने साल की थी, अब ये बताना है, ठीक है, हम क्या करेंगे, क्लास टीचर मान लो पी थी उसकी एज, हमें नहीं पता कितनी थी, हम कह रहे हैं उसकी एज पी थी, क्या करेंगे, पी को फॉर्मूला क्या लगाएंगे, जो 25 एन है इनटू में एक्स कितना था 16, वाई कितना है 15, ठीक है, और प्लस में कर देंगे हम वाई, यानी कि 15, 25, 16 में से 15 गए 1, 25 की 1 से 25, प्लस में 15, यानी कि क्लास टीचर की एज कितनी थी 40, 40 एज की उनकी टीचर थी, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी देखने को मिलते हैं, हम हर टाइप की ट्रिक इसमें करते चलेंगे और हर टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं, तो आप बने रहिए वीडियो में एंड तक, और अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपको लगता है कि आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद है, तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक शेयर भी कीजिएगा, एंड ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि हमें भी थोड़ा पढ़ाने में इंटरेस्ट बना रहे। सो नेक्स्ट बी वाला पार्ट हम देखते हैं कि क्या ट्रिक है इसमें। द एवरेज ऑफ एन क्वांटिटी इज इक्वल टू वाई, अगर हमें एन क्वांटिटी की एवरेज वाई दे दी व्हेन द क्वांटिटी इज एडेड, ऊपर क्या कर रहे थे, एक क्वांटिटी को घटा रहे थे, रिमूव कर रहे थे, कम कर रहे थे, इस बार क्या कर रहे हैं, एक ऐड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर 5 क्वांटिटी है तो यहाँ पर 6 बन जाएंगी, द एवरेज बिकम, यहाँ पर थोड़ा सा कर दिया, यहाँ एक्स आना चाहिए, ओके, एवरेज बिकम वाई, द वैल्यू ऑफ न्यू क्वांटिटी क्या हो जाएगी, एन इंटू वाई माइनस एक्स प्लस में वाई, बस इतना सा ध्यान देना है कि आपको किसको किस में से घटाना है, बस इस चीज़ का ध्यान देना है, ठीक है, ओवियस है बड़े में से छोटे को घटाओगे, नेगेटिव एज तो किसी की हो नहीं सकती अगर एज वाला क्वेश्चन आता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये आपको अपने आप करना है, एंड कमेंट सेक्शन में इसका ट्रूली आंसर देना है कि आपने, यू भी बताना कितनी देर में आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, ये आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है, देखो हर एक क्वेश्चन को आप इतनी देर लगा लगा के सॉल्व नहीं कर सकते, सो हम कुछ पॉइंट्स हैं नोट करने के, और एक चीज़ और है कि जो मैं ट्रिक्स आपको बता रही इसको नोट कर लेना, और जब भी एग्ज़ाम हो एग्ज़ाम के टाइम आप इनको एक बार रीड आउट कर लेना, अगर नज़रों से भी निकाल लोगे ना तो भी ना ऐसा हो जाता है कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा और इसमें मैंने ये याद किया था, मतलब इसको देखा था, याद तो करना नहीं होता मैथ में, और हमें एकदम से ट्रिक भी याद आ जाती है, और वैसे तो ज़्यादा बढ़िया वो रहता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ क्वेश्चन को करो कि हम इसको कैसे फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, ये ट्रिक नहीं है, एक टाइप से जल्दी जल्दी सॉल्व करने का तरीका है जो आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ करना है। तो हमने कर रहे हैं नेक्स्ट, फर्स्ट है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, देखो एन नेचुरल नंबर का अगर हमें एवरेज निकालना होता है, देखो एवरेज नाउ सम ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन बाय में टू, ठीक है,
जब भी हमें एवरेज करना हो तो हमेशा हम n से डिवाइड कर देंगे, तो ये n से n खत्म हो जाएगा, हमारे पास बचेगा n प्लस 1 बाई 2। एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होगा? देखो अगर हमें सम पता होता है तो हम उसे हमेशा टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं। पता है, हमें पता है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, अप टू n का स्क्वायर, ये इक्वल होता है n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 एंड बाय में 6 होता है। ठीक है, अगर इसकी एवरेज निकालनी है तो हम इस नंबर को डिवाइड कर देते हैं n से, n से n कैंसिल होएगा, बचा हुआ होता है एवरेज। अगर आपको एवरेज याद नहीं रहती तो आपको सम याद है, उसको हमेशा टोटल नंबर से डिवाइड कर दो। ठीक, एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? देखो सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाय में 2 का होल स्क्वायर, इसका सम होता है। ठीक है, क्या करेंगे हम, n से डिवाइड कर देंगे अगर एवरेज चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो n का भी स्क्वायर है, n प्लस 1 का भी स्क्वायर है, 2 का भी स्क्वायर है, है ना, तो ये वाली चीज़ बनेगी, एक n से एक n कैंसिल, बचा हुआ हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज क्यूब, एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। एवरेज ऑफ ओड नंबर फ्रॉम 1 टू n, ओड नंबर की अगर एवरेज निकालनी है तो जो लास्ट ओड नंबर होएगा उसमें 1 ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दोगे, उसकी आ जाएगी ओड नंबर्स की एवरेज। और एवरेज ऑफ इवन नंबर निकालने के लिए लास्ट इवन नंबर में 2 ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, हमें मिल जाएगा एवरेज ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 टू n। ओके, तो इस पर बेस्ड जो हम कुछ कर रहे हैं क्वेश्चंस, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 81 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 81 नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 अप टू 81, इन नेचुरल नंबर की हमने निकालनी है एवरेज। कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1 बाय में 2। ठीक, तो n कितना है, 81 प्लस 1 बाय में 2 कितना हो जाएगा, 82 बाय 2 विच इज इक्वल टू 41। तो एवरेज ऑफ 81 नेचुरल नंबर हो गया 41। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 टू 41। स्क्वायर के लिए फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1, 2n प्लस 1 एंड बाय में 6, n इक्वल है 41 प्लस 1 एंड 2 इंटू n 41, यहाँ प्लस 1 बाय में 6, तो ये हो गया 42 इंटू ये 83 बाय 6, यहाँ आ गया 7, 83 की 7 से प्रोडक्ट आपकी मिलेगी 581। ठीक है, तो ये इसका होगा आंसर। सो ये क्वेश्चन आप अपने ट्राई कीजिए, जो आगे से ट्रिक्स बताई हैं उन पर बेस्ड ही है ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ट्राई योरसेल्फ एंड ये क्वेश्चन भी ट्राई योरसेल्फ, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। सो इससे आगे भी हम एवरेज का टॉपिक कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रही है तो चैनल से जुड़िए रहिएगा, हर एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, सपोर्ट मिलेगा अगर आप कमेंट करेंगे तो ही मोटिवेट होंगे हम। सो बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।